थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आज नए साल पे नया धमाका हुआ है। एक नई फिल्म जो जिसका नाम है मेरा भारत महान, उसका आज मुहूर्त हुआ है। आज से ही शूटिंग स्टार्ट है और इस फिल्म में मेरे साथ हैं, इस फिल्म में हैं पवन सिंह जी और रवि किशन जी और मैं, और एक न्यू आई थिंक उनका डेब्यू हो रहा है फिल्म में, वो भी हैं साथ में। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं देवेंद्र तिवारी जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विपुल राय जी। अच्छा लग रहा है, एक कुछ नई और कुछ अलग फिल्म बनने जा रही है। इसमें मैं अपोजिट हूँ रवि किशन जी के, और उनकी वाइफ का किरदार है मेरा। रवि जी से हमेशा ही सीखने को मिला है और हमेशा ही अच्छा लगता है जब मुझे उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलता है। और एज एन एक्टर तो वो वैसे ही कुछ कहने की बात ही नहीं है, बहुत कमाल के, मैं क्या कहूँ, सभी लोग जानते हैं कि बहुत कमाल के एक्टर हैं। और अब हमारे मतलब अभी तो सांसद बन चुके हैं रवि जी, और एक नेता के रूप में भी वो लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है कि वो उनके पास जो भी काम होता है, वो जिस जिस भी काम को अपने हाथ में लेते हैं उसके साथ मतलब 100% करते हैं उस काम को, और मतलब सभी लोग उनसे खुश बहुत रहते हैं। पवन जी तो मतलब पवन जी का नेचर तो बहुत ही अच्छा है, सभी लोग जानते हैं कि वो दिल के बहुत बड़े और बहुत ही नेक इंसान हैं। और पवन जी की तारीफ़ में मैं यही कहूँगी कि पवन जी इतने अच्छे सिंगर हैं, मेरे ऑल टाइम फेवरेट सिंगर हैं वो। उनके हर गाने मुझे बहुत पसंद आते हैं और उनके साथ काम करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत जल्द हम लोग एक अच्छे सिनेमा में साथ नज़र आएंगे। हाँ, देवेंद्र जी ने मेरी एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म जो कि मैंने दिनेश जी के साथ में की थी, मैं उनसे वहाँ पे मिली थी और वो उस फिल्म में DOP थे, और वहाँ से हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बने। देवेंद्र जी एक अलग ही हमारा रिलेशन है, देवेंद्र जी के साथ में एक अच्छे दोस्त हैं हम लोग। और कोई भी हम फिल्म करें साथ में ना करें, बट एक होता है कि आपकी फर्स्ट फर्स्ट चॉइस जो होती है, मैं पूछती हूँ जब मैं कोई फिल्म कहती हूँ कि भाई DOP कौन है, देवेंद्र जी रहते हैं, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छा, देवेंद्र बाबा हैं तो अच्छा होगा, बहुत कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा। इसके लिए मैं विपुल राय जी को, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुहूर्त इतना बहुत ही ग्रैंड मुहूर्त किया। काफ़ी सारे लोग आए थे, काफ़ी मंत्री लोग आए थे, काफ़ी नेता लोग आए थे, और उन्होंने जौनपुर की धरती पे हम सभी कलाकारों का बहुत सम्मान किया। तो उसके लिए मैं विपुल जी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि नए साल की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएँ, और मेरा नया साल आप लोगों ने इतनी अच्छी से शुरुआत किया। मेरा गाना आया था लहंगा लखनऊआ Part 2 रितेश पांडे जी के साथ में, उसको इतना अच्छा पसंद किया कि यही आप लोगों का प्यार और जो आशीर्वाद मिलता रहता है व्यूज़ के जरिए, कमेंट्स के जरिए, लाइक्स के जरिए, ये हमेशा ही ऐसा बनाए रखिएगा। और हम एज एन आर्टिस्ट हमेशा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को नए नए तरीके से एंटरटेन करते रहें। ये गाना मेरे लिए गिफ्ट, न्यू ईयर गिफ्ट के रूप में आया, इसके लिए भी मैं रितेश जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, और सारे गामा जो न्यूज़ है, म्यूज़िक चैनल है, उसको थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने फ़ोन किया, मैम प्लीज़ मतलब करिए इस सॉन्ग को, और रितेश जी ने बोला कि आना ही पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि लग नहीं रहा था कि मैं शूट पे पहुँच पाऊँगी, थोड़ा सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप हो चुकी थी और लोकेशन का कुछ इश्यू हो गया था, लेकिन फिर भी रात के 3 बजे मैं पहुंची और मैंने ये गाना किया और लोगों को बहुत पसंद आया। ये तो जो लिरिक्स राइटर हैं उनको ही क्रेडिट जाता है, उन्होंने लिखा, और जो प्रियंका जी जो सिंगर हैं गाने की, उन्होंने गाया बहुत अच्छे से, और मैंने तो बस मुझ पर पिक्चराइज हुआ है ये गाना, कोशिश की कि जो उन्होंने बोला है वो मैं बोल पाऊँ गाने में। दर्शक तो हमेशा मैं अपने मतलब सर पे बिठा के रखती हूँ, दर्शक हैं तो हम हैं। सारे दर्शकों से और मेरे जितने भी फैंस हैं इंस्टा FB जितने भी सोशल साइट्स पे मैं हूँ, आप सभी लोगों का मैं हमेशा दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा मुझे और मेरे काम को इतना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, बस यही प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। थैंक यू।